अमरीडीह से देवपुरी मार्ग निर्माण होने से इलाके के रहवासी और मार्ग से गुजरने वाले खुश नजर आ रहे हैं। सड़क निर्माण के लिए पार्षद प्रतिनिधि नानू ठाकुर समेत वार्ड वासियों ने सड़क निर्माण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। 15 साल तक अमरीडीह से देवपुरी मार्ग निर्माण करवाने के लिए कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का सहारा लिया। पुराने रोड पर बने गड्ढों में पौधे लगाकर विरोध जताया गया, तब कहीं जाकर देवपुरी अमरीडीह मार्ग का निर्माण हो पाया। मार्ग निर्माण होने से पार्षद प्रतिनिधि नानू ठाकुर ने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक का आभार जताते हुए कहा कि सालों पुरानी मांग पूरी हो गई है, अब इस मार्ग से लगे घरों में धूल नहीं उड़ती, इसके साथ आने जाने वालों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि आम जनता की परेशानियों को देखते हुए देवपुरी से अमरीडीह तक जो 9.5 करोड़ के रोड की जो हमारी मांग पूरी हुई उसके लिए धन्यवाद और आभार। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां आज भी रह गई है, जैसे बिजली के पोल अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं, स्ट्रीट लाइट के वायर जो लगने थे नहीं हो पाया, नाली का निर्माण नहीं हो पाया है। उसके लिए भी हम चाहते हैं माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इसी हम आपके चैनल के माध्यम से कि यह कार्य भी अगर पूर्ण हो जाए तो आम जनता को बहुत ही राहत मिलेगा और इसके लिए हम सभी यहाँ के आमजन आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये रोड हम लोगों की लगातार 15 वर्षों से लड़ाई थी, भाजपा शासनकाल था तो हमारा रोड नहीं बन पाया था। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे विधायक सतन शर्मा जी, हमारे वार्ड के जुझारू पार्षद भाई नानू ठाकुर जी के लगातार संघर्ष से आज जनता की जीत हुई है। जो जनता 15 साल से त्रस्त थे, कभी एक्सीडेंट हो जाता था, कभी बसें पलट जाती थी, हमारे बच्चे लोग भी तकलीफ होता था क्योंकि 8 से 10 स्कूल इस क्षेत्र में है तो बच्चे लोगों का गाड़ी भी एक बार दुर्घटना हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा थी हमारे बच्चे लोगों को कुछ नहीं हुआ। और तो हम तो धन्यवाद देते हैं हमारे पार्षद विधायक और मुख्यमंत्री जी का जो हमारे इस रोड को बनाया और चलने के लिए बहुत ही सुगम व्यवस्था दिया हमारे वार्ड को, इसके लिए बधाई के पात्र है हमारे सभी भाई। कहना चाहूँगा रोड के संबंध में कि हमारे 15 साल के सरकार भाजपा सरकार के निष्क्रिय सरकार के रहते हुए 15 रोड नहीं बन पाया था, तो हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी का, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा विधायक जी रायपुर ग्रामीण का, आदरणीय श्रीमती संध्या नानू ठाकुर जी का और इस जनप्रतिनिधियों का जिन्होंने बहुत ही अपने सक्रियता से और संघर्ष करते हुए इस रोड को बनवाया। तो जैसे हमारे धर्मेंद्र भाई ने कहा, आम जनता की आज जीत हुई है। बच्चे जो गिर जाते थे स्कूल जाते जाते, एक्सीडेंट होता था, परेशानियां आती थी, वो अब नहीं आएगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय भूपेश बघेल जी का और माननीय श्री विधायक जी का और श्रीमती संध्या नानू ठाकुर जी का। गोल्डन ड्रीम प्रोडक्शन और भारती वर्मा की डायरेक्शन समर्पित एक